दोस्तों एक कहावत है, सूरज अस्त बंदा मस्त, और हमारी मस्ती का राज जॉनी वॉकर स्कॉटिश विस्की है। बड़े दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ये जॉनी वॉकर विस्की इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना जो हर शाम को मस्त कर देता है। तो लेट्स सी द जर्नी ऑफ जॉनी वॉकर इन दिस वीडियो। दोस्तों जॉनी वॉकर की कहानी बहुत ही जुनून भरी और पैशनेट है। लेजेंडरी ओरिजिनल जॉनी वॉकर का जन्म 25 जुलाई 1805 को ट्रोडिक्स फार्म किल्मरनॉक पूर्वी आयरशायर स्कॉटलैंड में हुआ था। कहानी 1819 से शुरू होती है जब जॉनी वॉकर सिर्फ 14 साल का था और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वह अपना खेत बेचकर एक ग्रोसरीज की दुकान खोल लेता है। भले ही उसका मेन बिजनेस किराने का सामान बेचना था, लेकिन समय के साथ वह चाय, बढ़िया वाइन और स्पिरिट के बड़े सप्लायर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसने रम, ब्रैंडी और जिन सहित सभी प्रकार की शराब बेची, लेकिन यह उसकी अपनी प्राइवेट लेवल विस्की थी जिसने उसे अपने एरिया में एक पहचान दिलाई। उस समय के अधिकांश दुकान मालिकों ने अलग स्वाद और दिखने वाली सिंगल माल्ट विस्की का स्टॉक किया हुआ था। मिस्टर वॉकर एक समझदार बिजनेसमैन होने के नाते अपनी विस्की को अलग तरह से ब्लेंड करके बनाते थे, जिससे उन्हें हर बोतल में अच्छा फ्लेवर और क्वालिटी बनाए रखने में मदद मिलती थी। 1857 में उसकी मौत के बाद उसके बेटे अलेक्जेंडर ने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। उसका पहला कॉपीराइट विस्की ब्लेंड 1867 में बाजार में आया, जिसे ओल्ड हाईलैंड विस्की कहा जाता है। यह ब्लेंड उस चीज का डायरेक्ट एंसेस्टर है जिसे आज हम जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर ने फर्दर इनोवेट करते हुए 1860 में एक नई सिग्नेचर स्क्वायर शेप बॉटल को इंट्रोड्यूस किया। यह स्क्वायर शेप बॉटल्स कार्टन्स में कम जगह घेरती थी और इनमें 2 फुट यानी कि ब्रेकेज भी कम होती थी। इसके बाद लेबल को भी लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर से 24 डिग्री के एंगल पर घुमाया गया, जिससे कि ब्रांड नेम का टेक्स्ट बड़ा और ज्यादा विजिबल हो सके। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि अलेक्जेंडर ही वह इंस्पिरेशनल पावर था जिसने जॉनी वॉकर स्कॉच विस्की को एक लोकल बेस्ट सेलर से एक वर्ल्ड बेस्ट सेलर बनाया। जॉनी वॉकर की जर्नी में अगला बड़ा माइलस्टोन 1893 में कार्डू डिस्टिलरी की खरीद थी, जो अब मेजरली जॉनी वॉकर विस्की बनाने का सेंटर है और जॉनी वॉकर परिवार का विशेष स्थान है। यह कार्डू ब्लेंड ही है जो मोस्टली जॉनी वॉकर ब्लेंड्स को एक स्पेशल स्मोकी टेस्ट इम्पार्ट करता है। हालांकि जॉनी वॉकर के इतने सफल होने का असली कारण इसकी थॉट लीडिंग मार्केटिंग है। ब्रांड के लिए पहला मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट द स्ट्राइडिंग मैन का आविष्कार था। स्ट्राइडिंग मैन को पहली बार 1909 की शुरुआत में कार्टूनिस्ट टॉम ब्राउन ने बनाया था। पिछले कुछ सालों में इस स्ट्राइडिंग मैन की डिजाइन में कई बदलाव हुए। स्ट्राइडिंग मैन एक मुस्कुराता हुआ जोवियल कैरेक्टर बनाया गया, जिसने प्रिंट मटेरियल्स और विज्ञापनों में हैप्पी सिनेरियो पेश किए। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंख पर एक ग्लास वाला चश्मा था। लेकिन हाल के सालों में यह डिजाइन, जो अपनी सोफिस्टिकेशन और रॉयलनेस के कारण आइकॉनिक बन गया था, अब यह स्कॉच विस्की का सबसे प्रसिद्ध ब्रांड, एक सिंबल ऑफ प्रोग्रेस के रूप में पहचाना जाता है। हालांकि जॉनी वॉकर के इतनी अच्छी तरह से रेजोनेट होने का असली कारण इसका सटल सिंबोलिज्म है। यह ब्रांड उस मिथक का प्रतीक है जिस पर पूरी स्कॉच विस्की कैटेगरी बेस्ड है। यह कैटेगरी पर्सनल प्रोग्रेस के मार्कर के रूप में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। स्ट्राइडिंग मैन एक मील के पत्थर से दूसरे मील के पत्थर तक एक जर्नी ऑफ प्रोग्रेस दिखाता है। स्टैक में हर बोतल में एक्सीलेंस की एक कहानी है जो कस्टमर द्वारा अपने लिए सेट माइलस्टोन्स को शो करती है। जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो वह आमतौर पर रेड लेवल, जो कि नॉर्मली 1800 से 2000 रुपए में आती है, उसको इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी रैंक पर आगे बढ़ता है, ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल उसकी पसंद बन जाती है। जॉनी वॉकर एक सबलाइम सिंबोलिज्म भी शो करता है, इसलिए प्रत्येक बोतल एक ट्रॉफी की तरह दिखती है जिसे आप अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल जर्नी के दौरान खुद को गिफ्ट देते हैं। 1999 में जॉनी वॉकर ने ब्रांड का पहला वर्ल्ड कैंपेन कीप वॉकिंग लॉन्च किया। इस नई ग्लोबल पोजीशनिंग ने जॉनी वॉकर को एक ग्लोबल लीडर में बदल दिया और इस ब्रांड को लगातार मजबूत होते देखा गया। इस पायनियर कैंपेन में जॉनी वॉकर के प्रसिद्ध स्ट्राइडिंग मैन आइकन को आगे चलते हुए और डायरेक्शन बदलते हुए देखा गया और इसे दुनिया भर के हर बाजार में लॉन्च किया गया। पहले की वॉकिंग टीवी विज्ञापन में हार्वे कीटल ने अभिनय किया था और पहली बार 1999 में प्रसारित किया गया था। पहली बार
1909 में बनाया गया यह स्ट्राइडिंग मैन दुनिया के सबसे बड़े रिकॉग्नाइज ब्रांड आइकन्स में से एक बन गया और उन सभी के लिए सिंबल ऑफ प्रोग्रेस है जो जॉनी वॉकर का आनंद लेते हैं। अगर आप भी जॉनी वॉकर का आनंद लेते हैं तो चीयर्स गाइस। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा बाय बाय।